सेडम तालुके में आज मुख्तलिफ कर्नाटका स्कूल्स में हिजाब पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ 8 फरवरी को एक एहतजाज मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया। इस मौके पर जनाब मुकरम खान साहब सीनियर कांग्रेस लीडर, इसके अलावा जनता दल सेकुलर ताल्लुका सदर जनाब इकबाल अहमद खान साहब और कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सदर अब्दुल गफूर साहब ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि इस प्रोटेस्ट और इस एहतजाज को कामयाब बनाने में उनका साथ दे। पूरे तकरीबन जमा होना और नौजवान लड़के तो काफ़ी जमा होना है, ये लोग सब जमा होके अपने सेकुलरिज्म के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और सीधा से चौरस्ते से लेके पुलिस स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके गुलबर्गा क्रॉस तक पूरे लोग जमा होके वहाँ हमारे पूरों की प्रोटेस्ट होंगी। वो प्रोटेस्ट में हम लोग बिल्कुल उसके बारे में हिजाब के बारे में बात करेंगे और खुसूसियत जितने भी 9th, 10th, UC ग्रेजुएट्स जो लड़कियां हैं तकरीबन लोग उन्होंने अपने अपने कॉलेजों को नहीं जाके स्कूल नहीं जाके आप लोग हमारे इसमें बिल्कुल चौरस्ते पे ही आप लोग सब मिलजुल कर हमारे साथ ही हमारा साथ देना। आप लोग ये सिर्फ ये लड़ाई आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे सबके लिए है, लेकिन हम आगे होकर जो कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर आप लोगों का साथ देंगे और कोई हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, गलत काम गलत स्लोगन्स ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हम गुलबर्गा क्रॉस पर प्रेस करेंगे। सभी सेडम तालुके के अवामुल नास से अपील की जाती है कि 8 तारीख बरोज़ मंगल सुबह 10:30 बजे हिजाब के ताल्लुक से एक प्रोटेस्ट रखा गया है। सभी मुसलमानों से सभी सेकुलर लोगों से हमारी अपील है कि आप सेडम 8 तारीख 10:30 बजे बरोज मंगल सेडम चौराहे पे जमा होकर कसीर तादाद में और साथ में जिनके ताल्लुक से ये एहतजाज रखा गया है प्रोटेस्ट रखा गया है वो बहनों से भी हमारी अपील है कि आप चौरस्ते पर जुड़कर हमारा साथ दें। चौरस्ते से और गुलबर्गा क्रॉस तक ये प्रोटेस्ट रहेगा और मज़ीद मेरी अपील है कि सभी लोग जुड़कर इस जलसे को कामयाब बनाएं, कसी तादाद में जुड़ें और ये मामला आवाज़ आज की पुकार है, आज की ललकार है, आप सभी का साथ ज़रूरी है। इसी के साथ तो बात ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मंगल के रोज़ 10:30 बजे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुलूस की शक्ल में जमा होकर गुलबर्गा क्रॉस पर जाके मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। ये मेमोरेंडम हिजाब के फेवर में दिया जा रहा है।